हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक ठाक रहो सब, और अपना ध्यान रखो, ठीक है। और देखिए, मैं यहाँ आ गई रसोई में, और ये देखिए मैं बना रही हूँ काढ़ा कह रही हूँ, ये बना रही चाय ये भी काढ़ा ही है, सही कह दिया मैंने। और देखिए मेरी चाय बन रही है, मैं हर तू ये छाने के लिए लोटा, ये देखिए चाय। ये मैंने रख दी चाय। ले जाओ, ये रखिए एक बार। ये मैंने अंजीर भिगोई है इसमें, मैं दे रही हूँ कौशिक जी को अंजीर, और मेरा भी है, दोनों का है। और ये है चाय बन चुकी है, चलिए चाय पी लेते हैं, पहले अंदर आ जाइए, चलिए ठीक है, आ जाओ। मैं डाल देती हूँ चाय, ये आप लोग चाय पी लीजिए, ठीक है। अदरक की मसाले वाली चाय है, आप लोग पी लीजिए सब। मेरे को तो ना अब इतनी बुरी वाली आदत है मसाले की, बहुत ज्यादा। मैंने अपने घर में भी मैंने बनाया हुआ है, मसाला बना हुआ है, लेकिन बच्चों को कम पसंद था, पहले नहीं डालती थी, लेकिन अब बच्चों को पसंद आने लगा है मेरे यहाँ मसाला। अब मैं कौशिक की चाय डाल रही हूँ, कौशिक जी चाय। हाँ जी, यहाँ तो इतना डस्ट है, इतना है, दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं होगा इतना, दिल्ली में दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, यहाँ ऐसा है। अगर आप एक बार डस्टिंग कर लिया तो उसके एक घंटे बाद आप देख लेना कि कितनी कितनी डस्ट जम जाती है, टेबल पे, फ्रिज पे, सब पे, मतलब जो जो मेरा सामान है सब पे, मतलब पूरा दीवार पे जम जाती है, यहाँ तक बताओ भगवान की तस्वीरों पर जम जाती है, जो कि रोज की मैं जिनको ले जाती हूँ, और उसके उनके ऊपर डस्ट जम जाती है। और ये जो मेरा बोला था मैंने आरओ वाले से, मैं बोली हमारे यहाँ भी लगा हुआ है आरओ, लेकिन ऐसा कभी खराब नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ है थोड़ा नमक का पानी, थोड़ा क्या, काफी नमक का पानी है मेरे यहाँ का, तो उससे मतलब मेरा कैंडल मतलब जल्दी ब्लॉक होता है, हमारे आरओ का कैंडल जल्दी ब्लॉक होता है, लेकिन इतना जल्दी जब भी नहीं होता, मतलब ये तो नमक से भी ज्यादा काम कर रहा है यहाँ का डस्ट तो। यहाँ क्या है ना, ये हब है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो उसका ये हब है, तो यहाँ पे दिखता नहीं है, आंखों से नहीं दिखेगा वो आपको, लेकिन जैसे कभी कभी आप बैठे हो तो तब देखना धूप में जब वो दिखाई देते, इतना उड़ता है बहुत ज्यादा। अब देखो एसी का भी यही है, मैंने उससे कही मैंने हमारा एसी बार बार खराब हो रहा है, तो वो कह रहा, मेरे से कह रहा कि मैडम यहाँ यही चीज है यहाँ बहुत ज्यादा, वो थोड़ा वो था मुंडम था, तो वो लोग हिंदी बोलते हैं यहाँ के, जो मुंडम है वो, अगर हम जो जैसे भाई अपनी हिंदी बोलेंगे ना, बोलते वो साउथ ही हैं, लेकिन जो अगर हम बोलेंगे तो वो हिंदी बोलेंगे और हमारी बात का हिंदी में जवाब देंगे, क्योंकि वो उर्दू पढ़ते हैं ना, उर्दू हिंदी होती है। ऐसे जब मैं कभी सब्जी लेने के लिए जाती मार्केट में, तो सब्जी वाले को साउथ इंडियन है सब्जी वाला, उससे मैं कुछ बोलती उसे समझ नहीं आता, तो फिर वो बताती वो कि भाई ये चीज मांग रही है, ये ऐसे कह रही है, तब मुझे पता लग गया कि यहाँ जो मुंडम है तो वो लोग हमारी भाषा समझते हैं हिंदी। अब तो मैं ढूंढती हूँ कि बीच में मुझे कोई मिले और मेरी बात उन्हें बताए कि भाई ये सब्जी लेनी है इन्हें, तो ये क्या कहना चाह रही है। और वैसे मेरा जो भी सब्जी वाला आता है वो सीख भी गया है मेरी वाली भाषा, जो मैं थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, काफी सब्जी लिया था मैंने जो नीचे आता था, लेकिन वो भी बाबा है, काफी बड़े बूढ़े बाबा है, वो ऊपर चार मंजिल नहीं चढ़ के आ सकते हैं, और मेरी भी ऐसी हालत नहीं है कि मैं चार मंजिल नीचे जाऊं, पहले सब्जी लेके आऊं फिर बैग भर के ऊपर लेके आऊं, तो मैं भी नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पे यही ज्यादा है, यहाँ बीमारी है, यहाँ पे हड्डी की बीमारी बहुत बड़ी है, बोन वाली बहुत बहुत बुरी बीमारी यहाँ पे लोगों में, पता नहीं चावल से कहते हैं चावल से भी मतलब, पर यहाँ चावल लोगों का खाना है।
और सब्जी मैंने यहाँ पर ऐसी देखी नहीं है कभी भी, आप कहोगे बुराई नहीं कह रही, अपने अपने जगह की बात है। हमारे यहाँ लोग सब्जी ज्यादा खाते हैं, हर तरह की सब्जी मिलेगी आपको कहीं में और हर जगह मिलेगी, लेकिन साउथ में क्या है ये लोग सब्जी दो चार सब्जी ऐसे सिलेक्टेड सब्जियां हैं इनकी जो वे बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका ये बीटरूट हो गया है, एक दो सब्जी इनकी यहाँ की होती है बड़ा सा हरे रंग का कुछ होता है, मुझे नाम नहीं पता उसका, कई बार मैं पूछ के भी आई याद रखती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ, जो मतलब जिनमें करी पत्ता डल जाएगा, चने की दाल डल जाएगी, उड़द दाल डल जाएगी, जैसे आपने साउथ इंडियन थाली देखी होगी ना, इनका जो पराठा भी होगा वो हमें सांभर के साथ खाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ मैं बता रही हूँ डस्ट की, तो मैंने आपको बता दिया है डस्ट का कितना बुरा हाल है, इसलिए यहाँ बहुत मेरे को सांस भी नहीं लिया जाता कई बार। और एक बार हमारे यहाँ पे खाना, हमारे जो भाई काम करती है बाहर, तो मेरे से कह रही थी ऐसे मुंह सापट, खाना के लिए सापट बोलते हैं लोग, तो ये खाना, तो उस टाइम में पराठे सेक रही थी, तो चावल मेरे से बोली चावल राइस, मैं बोली चावल तो नहीं है, मैं तो चावल नहीं खाते, मैंने रोटी, मैंने पूछा चपाती, ओ ओ ओ ऐसे करके बोली, तो मैंने उसे चपाती दे दिया। अब वो चपाती भी पता कैसे खाते हैं लोग, और चपाती भी पूरा ना ऐसा सब्जी दे दो, सब्जी दो या दाल दो कुछ भी दो, वो बिल्कुल उस चपाती को ऐसा मैश कर लेंगे, ऐसा मैश करेंगे जैसा आप पता नहीं लगेगा वो रोटी है, तो ऐसे करके तब वो खाई। तो मैंने उसे कई बार दो तीन बार मैंने सब्जी दी थी उस दिन, मैंने दो तीन बार सब्जी डाल दिया था, तो बार बार खा रही। अब इतना मैं ज्यादा नहीं बनाया था कि भाई पूरा भाई बार, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा डाल के खाते हैं, दाल वाल ना सब्जी है दाल है बहुत ज्यादा खाते हैं डाल के। तो फिर लास्ट वाला जो मेरा पराठा था तीन बार, मतलब इन्होंने पूरा ऐसे जो वो पानी का तो घोल बना देते है ना सब्जी से दाल से, ऐसे बना खाया था लास्ट में। फिर मैंने उसे कही चाय दी, फिर मैं कि एक पराठा और दे रही हूँ, एक पराठा और खा रही हूँ सब्जी, मैं बोली अब सब्जी नहीं है, तो मैं कि चाय में डुबो के अचार दे दी, तो चाय में डुबो के खा। तो मुझे यहाँ का खाना देख के ना, हमारे यहाँ पे सब्जी है चाय है उसे खा लेंगे रोटी, लेकिन यहाँ क्या है ना उसे भी मैश कर देते है। चल मैं चाय पी लेती हूँ, बात करती जाती हूँ। ये मैंने अंजीर भिगोया हुआ है, ये देखिए भिगो देती हूँ। भिगोने के बाद कहते हैं तो दूध में उबाल के भी खाना चाहिए, पर हम लोग दूध में नहीं उबालते हैं इसको, हम तो खाली से भिगो देते हैं रात को धो के अच्छी तरह से, क्योंकि ये धरती वरती में सूखता होगा ना। और आजकल अपना सब लोग ध्यान रखिए, ये जो बीमारी है जो चल रही है, बीमारी का नाम पता तो है आप लोगों को, बहुत ज्यादा फैल रही है बहुत ज्यादा। आज मेरी घर पे बात हुई थी तो वो हमसे कह रहे सेफ रहो, आप लोग सेफ रहो, ध्यान रखो अपना। और कल मेरी एक मेरे पड़ोसन से बात हुई थी, तो मेरे से कह रही है दीदी एक बात बताओ, भाई साहब क्यों छुट्टी चल रही होगी, वो भी बैठ के ही काम करते होंगे घर से। मैंने कि बैंक वालों की कभी छुट्टी नहीं चली है, सबकी छुट्टी चली है, बैंक वाले की नहीं है, बैंक वालों ने कभी घर से बैठ के काम नहीं किया है। इन लोगों को जाना है, पब्लिक सेक्टर है ये, अगर पैसे का लेना देना नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे काम, ये बताओ ना, इन लोगों का तो काम ही है। तो कह रही बहुत ध्यान देने की जरूरत होती होगी दीदी, एक आशा ना जो वो लेते हैं, और क्या चाहिए, मास्क बांधना है, सैनिटाइज करके रखना है, अपनी तरफ से तो आदमी पूरा वो कर रहा है, अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, बस तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो कल मैं बता रही हूँ, कल मेरा प्रेस वाला आया था, मुझे मेरी भी ना कई बार ना हम लोग भी ना थोड़ा वो कर जाते हैं जल्दबाजी, पता नहीं लगता किसी चीज का। कल मैं दोपहर में प्रेस वाला आया था कपड़े देने के लिए, प्रेस करने वो आता बिना मास्क के, वो प्रेस वाला है, ये लोग यहाँ पे ना डरते नहीं है, बिना मास्क के घूम रहे सारे लोग। तो बिना मैं देखती हूँ कई बार झांक के नीचे की तरफ ना रोड पे, एक भी मास्क वाला बंदा नहीं मिलता है। परसों तो यहाँ पे बता दी, मेरे यहाँ डीएम के ऑफिस से मेरे बराबर में, तो यहाँ पे कोई वो था, आजकल इलेक्शन आने वाले है ना, तो काफी भीड़ थी इलेक्शन की वजह से, तो मैंने झांक के देखा था नीचे की तरफ, मतलब इतनी भीड़, आप बताऊं बहुत भीड़ जैसे मेला लग रहा है, लेकिन एक भी बंदे के मास्क नहीं था। तो हमारा प्रेस वाला आया कपड़ा लेके, और मैं जल्दबाजी में ना बस कपड़े ऐसे करके बोलता है वो, बाकी साउथ इंडियन बोलता है, खाली कपड़ा हिंदी बोलता है,
तो जब मैं गई, मैं एकदम फटाफट उठी, पैसे मैंने उठाए और चली गई, और ना मैंने चुन्नी बांधी और ना मैंने मास्क बांधा। और जाके यहाँ पे लोग, एक चीज का और भी है, जैसे हम लोग जैसे सब्जी वाला आया, हमारे कोई भी आया है, तो हम उसको पैसे ना, अगर हम अंदर दरवाजे खड़े तो ऐसे दे देंगे कि भाई ये पैसे, वो बाहर खड़ा मैं अंदर खड़ी तो अंदर से दे दूंगा भाई ये पैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग पैसा नहीं लेते, वो कहते हैं आप बाहर आ जाओ, जैसे रावण ने सीता का हरण किया था बुला के कि बाहर भाई लाइन पार करके बाहर आ जाओ, तो हम पैसे ऐसे नहीं लेंगे। तो एक दो बार शुरू में मुझे डर लगा था कि भाई गलत बात कुछ गलत ना हो जाए, कि मैं बाहर जाऊं कुछ उल्टा सीधा हो जाए, लेकिन बाद मैंने कोशिश से बोला था तो कह रहे नहीं यहाँ पे है ही ऐसा, कुछ होता होगा पैसे का। तो कल जब जो प्रेस वाला आया तो मैं अपनी देहरी पार करके प्रेस देने के लिए गई, मैंने उससे पूछा, 15 कपड़े थे, मैंने उससे पूछा था कितने पैसे हुए, 120 हुए थे और 10 रुपए 12 रुपए और लिए उसने, 2 रुपए पहले बताया कभी के, 10 रुपए कल के, मतलब 132 रुपए उसने लिए थे मेरे से, मतलब 12 रुपए बता रहा था किस चीज के बता रहा था, बाकी 15 कपड़े के हो गए थे। तो मैं उसके एकदम बराबर खड़े होके मैंने उसे ये कहा था कि ये 120 रुपया, ये 10 रुपया और ये 2 रुपए, 132 रुपए हो गए, पूरा बताया था, क्योंकि मुझे ना समझ आए बाद में कुछ, बाद में और जोड़ के 50 रुपए ला के मेरे सिर पर रख दे, तो मैंने पूरा खोल के दिखाया ये रुपया, जैसे कि नॉर्मल टाइम में हम लोग बात करते, मैं ऐसे बात कर रही हूँ उससे, ओके ओके कह के, और वो चला गया। उसके बाद मैं अंदर आई हूँ तो मेरे गले में दर्द है और मेरे सिर में दर्द है, मेरे गले में दर्द और ये साइड में मेरे सिर में दर्द है, यहाँ मेरे सिर में दर्द है। सैनिटाइजर ले आई हूँ, खूब हाथ वाथ पे सब पे लगा लिया, अपने बाजू बाजू में मुंह पे भी लगा लिया, मैं तो यहाँ पे भी लगा लिया थोड़ा सा, मैंने कि अगर यहाँ पे कोई कीटाणु हो तो मर जाएगा, मतलब डर देखो आदमी को कितना डर होता है इस चीज से। आप कहोगे आंटी मुंह पे नहीं लगाना चाहिए, बेटा थोड़ा सा हाथ में करके ना हल्का सा रेस्ट करिए, कोई कीटाणु हो तो मर जाएगा, अपना बता रही हूँ डर, मुझे इतना डर हो गया, और सच में मेरे गले में दर्द और मेरे सिर में दर्द हो गया, हो सकता हो किसी और चीज से हुआ हो। फिर मैंने सोचा मैं चल मैं काढ़ा बना के लाऊं, फिर वो ये दोपहर का टाइम था, कोशिश जाने के बाद की बात है, खाना खा के गए थे उसके बाद की बात है, फिर मैं लेटी रही हूँ आराम से पड़ी रही हूँ, फिर उस बार मैं शाम को चाय वाय बना के लाई, भगवान जी का दूध दिया, चाय बनाई मैंने, तो वो अदरक वाली पी है, उसके बाद मेरे को फिर ठीक हो गया। लेकिन ये बताओ बहम कितनी बड़ी चीज है। मैं दूसरों को शिक्षा देती हूँ, कोशिश जी को देती हूँ, डांटती हूँ कोशिश जी को इस चीज के लिए, कोशिश जी को अभी अगर रहते तो कोशिश जी मुझे डांटते इस चीज के लिए, क्या जब जल्दबाजी वैसे तो कोशिश जी लेते हैं, कपड़ा भी देना है अगर कोशिश जी घर में है तो एक कपड़ा भी वापस वो यही लेते हैं, मैं किसी बाहर वाले आदमी से बात नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो उस टाइम मेरे को ये अफसोस हुआ था, थोड़ी सी 2 मिनट और खड़ा हो जाता वो, अगर मुझे अगर कल को कोई चीज हो जाती है तो 3-4 दिन में पता लगती है ये चीजें, एक दिन में नहीं पता लगती है। शुरू में महसूस हुआ था मेरे गले में दर्द हुआ और सिर में दर्द हुआ, तो इसका असर जल्दी नहीं दिखाई देता, इसे 3-4 दिन बाद पता लगता है इस चीज का। अब देखते हैं, मैं तो डायरेक्ट उससे जाके बात करी आई हूँ खड़े होकर, बेवकूफी वाली बात करी है मैंने कल बहुत बड़ी वाली, और कौशिक को बता भी रही हूँ, अब ये डांट ही रहे चुप सुन रहे है, और देखिए हमारा एक पारी टपक रहा है टप 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 टप। जब हम इस घर में आए थे ना, शुरू में इस घर में आए, आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें इतना कॉकरोच था, इतना कॉकरोच था, मैं बताऊं आपको, अगर लाइट बंद कर दिया और आप जब घर में घूम भाई कहीं भी बाथरूम में जाकर टॉयलेट सीट पर जाकर देखो, मतलब पूरी ऐसा रात के टाइम ऐसा होता था कि कहां, मतलब कहां पैर रखे, कहां पैर रखे खड़े हो, कहां से निकल के जाएं, और सुबह के टाइम सब गायब हो जाते थे वो। और जैसे कि मैं जब खाना वाना बना के आई, साफ कर आई स्लैब को, उसके बाद जब खाली रसोई रहती, दिन में भी रसोई दिन में खाली है तो पूरा कॉकरोच से भरी रहती, मतलब कोई चीज रखी। बाद में फिर मैंने कॉकरोच की एक दवाई आती है, वो आती है ट्यूब आती है, बहुत 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 बढ़िया वाली ट्यूब है वो ट्यूब से हम दो जैसे उससे छोटा छोटा सा बिंदी बिंदी से लगा देते हैं, जैसे जहां से कॉकरोच आए वहां से। मैं बता रही हूँ, आप विश्वास करो इस चीज पे कि मेरा आज घर में एक भी कॉकरोच नहीं है, एक भी नहीं है। वो मैंने 3-4 ट्यूब ला कर रख दी थी, मिलती है मार्केट में मिलती है, वो मैंने ले आई थी और वो जगह जगह छोटी छोटी बिंदी सी लगा दी थी, मतलब एक भी कॉकरोच नहीं मरा, तो पता नहीं मरा है नहीं मरा, मरा तो वहां से मरा होगा जहां जहां मैंने लगाई है, बीच में आए होंगे, बीच में खाई होगी तो मरा है, लेकिन सारे भाग गए। और रात को मैंने सपने में यही देखा है कि इतने कॉकरोच हो गए, ढेर हो गए, बच्चे 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 ढेर है,
मतलब गिर रहे हैं, स्लैब पे हैं, चाय बना रहे, चाय में गिर रहे हैं, तो मैं कौशिश से गुस्सा कर रही हूँ। मैं पहले ही कह रही थी एक दो कॉकरोच है, जब भी मैं कोई सपना देखती हूँ तो उसका मतलब जरूर देखती हूँ मैं, गलत देख लूंगी भाई अशुभ है तो दिमाग खराब हो जाएगा, और जब कहेंगे शुभ है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत बात कर लिया आप लोगों से, अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। नमस्कार जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, हम तो बढ़िया ही रहते हैं जी हमेशा। बढ़िया हो ना? हाँ। और बढ़िया ही रहना जी। हाँ, मैं तो जब ये सुनती हूँ ना कि सब बढ़िया बढ़िया है तो बड़ी खुशी हो जाए, बहुत खुशी होती है, हमें पता लग जाता है सब बढ़िया है। बोले बढ़िया है, और आजकल बीमारी ने बहुत विकराल रूप ले लिया है, और मेरे यहाँ पे ही आज मेरा फोन आया था कहीं से बाहर से दिल्ली से ही, तो वो ही बता रही थी कि मेरे को कि 8-10 मतलब लोग और ऐसे लोग मरे हैं जो कि बहुत पैसे वाले घर के लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े घर के लोग मरे हैं उसमें, और कह रहे सारे मोटे मरे हैं, ये भी है। हाँ। ये भी कह रही है वो कि सारे मोटे मरे, जो ज्यादा जैसे बनिया लोग होते हैं ना, ज्यादा भाई पैसा ज्यादा होता था वो मोटे भी ज्यादा होते हैं, तो सारे मोटे मोटे हैं, वो कह रही बहुत पैसे वाले सेठ लोग मरे हैं, 8-10 लोग इकट्ठे गए हैं अभी दिल्ली की बता रही है। और अब तो रोज ना, और हमारे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है, अब तो परिवार में अभी कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ एक्सपायर हो गया है, जैसे ये हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एडमिट हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, पैसा पूरा खर्च हो रहा है, वही है ना, लग रहा है वो है बीमार हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारी आ गई पर ठीक होके अपने बच्चों के पास आ जाए आदमी, पर यही है ना, जीवन मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। सही बात है, ये है ना। और जब भी मैं सुन रही हूँ परिवार में भी हमारे ऐसा हो रहा है, तो जब सुन रही हूँ तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दुख में शामिल हो सकते हैं, उनका दुख बांट नहीं सकते हम, ये बताओ ना। ऐसे जवान जवान बच्चे जा रहे हैं, और मैंने जिनसे बात करी थी वो बता रही थी 40, 42, 32, 34, ये नहीं है कि भाई हम लोग सोचते हैं कि 50-60 साल कहीं जा रहे हैं, 50 से ऊपर के लोग जा रहे हैं, 60 से ऊपर के जा रहे हैं, 40 के आसपास की एज सबसे खतरनाक, 35, 30, 32, 40, 42, 45, हाँ यही लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और ये भी कह रही थी मेरे से वो कि एक बात बताओ, ये हम लोग तो इतनी केयर करते हैं, या सेठ लोग तो ज्यादा केयर करते होंगे, पैसे वगैरह तो ज्यादा केयर करते होंगे, लेकिन हम लोग कितनी केयर कर रहे हैं, और ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, वो लोग पूरा ग्रुप का ग्रुप बना के, पूरा ग्रुप का ग्रुप बना के पूरे एक ही कमरे में ये लोग रहते हैं, कि भाई मतलब उनमें से एक भी नहीं है बीमार, मैं बोली भगवान देख रहा है ना उन्हें, क्या करे बच्चे ये बीमार हो गए तो इनका कौन है सहारा, ये बताओ, ना इनके पास पैसे, बेचारा अपना पेट भर ले, वो ही बहुत है ये लोग हैं, इसलिए भगवान भी सोच सोच के दे रहे हैं, पैसे वालों को बीमारी दे रहे हैं, वो मेहनत कर लोग हैं, वो मेहनत कर हैं, लोग दाल रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, यही उनका खाना है, और उससे वो बचे हुए हैं, और ये भी नहीं है कि भाई मास्क बांध रखे हैं, भाई डिस्टेंस रखा, ऐसा कुछ नहीं है, जो कोई दे देता उनका खा लेते हैं, काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग सेफ है, उन लोगों मेहनती लोग हैं, वो जो छोटे तबके लोग होते हैं तबके के वो सब बहुत अच्छे मेहनत है, छोटा तबका बड़ा तबका कुछ नहीं होता ना, मेरा मतलब लोग बचे हुए हैं जो मेहनत करते हैं, जो रोज खाते हैं, कमाते हैं, मेरा छोटे तबके और बड़े तबके का मेरा कोई ये मतलब नहीं है, मतलब मेरा मतलब ये है कि भाई वो लोग सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब भगवान मैं यही कह रही हूँ, भगवान देख रहा है इन चीजों को कि भाई ये बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये, क्या क्वारंटाइन कैसे कर लेंगे एक दूसरे को, एक झोपड़ी में क्वारंटाइन में चले गए तो उनका फिर गुजारा कैसे चलेगा बेचारा, ना जिस झोपड़ी में एक झोपड़ी में 10-10 लोग रह रहे हैं तो कैसे रखेंगे, क्वारंटाइन भी ना कर पाएंगे वो, ये बताओ, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में ऐसे ही भीड़ है ज्यादा, और ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो केयर नहीं होती, कोई केयर नहीं होती, फिर मेरी बहन का लड़का है, आज उसका टेस्ट हुआ है दोबारा, वो भी 15-16 दिन से, मतलब छोटी दिवाली से ही क्वारंटाइन हुआ पड़ा, उसको पॉजिटिव था ये, तो आज उसका वो 14-15 दिन बाद जो टेस्ट होता है दोबारा वो करवाया है, और कल रिपोर्ट आएगी, बताती हूँ क्या रिपोर्ट है, अब तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ गया। और मेरे यहाँ परिवार में भी कई लोगों को हो गया था,
तो एक तो घर में ही थे पहले, तो बीमार रहे थे घर में, लेकिन उनकी तबियत ठीक नहीं हुई, फिर उन्हें एडमिट करना पड़ा, फिर उनके घर में छोटा बच्चा था उसे भी हो गया, उसे घर में रखा हुआ है। ये नहीं है बच्चा कोई नहीं है। और अपने यहाँ तो ना मतलब मैं बताऊ, हम लोग यहाँ रह रहे, मेयर कौशिक जी रह रहे, तो शायद हम शायद कह रही उसमें बचे, भी हुए हैं। बचे हुए हैं हम है, लेकिन अपने यहाँ जाकर देखो अभी शादी चल रही है, तो ऐसा झुंड का झुंड है। गीत गाने हमारे यहाँ गीत गाते हैं, लेडी संगीत होते हैं ना, अच्छा 5-7 दिन के, आजकल कौन 5-7 दिन की लगन लिखवाता है, कोई नहीं लिखवाता है, लेकिन फिर भी लोगों ने लिखवाया है 5 दिन की लगन, मतलब लगन जानते हो ना, लगन जब चढ़ जाती है उसके बाद फिर गीत गाते हैं। तो लेडीज संगीत में अपने पूरा चरण की जितने आस पड़ोस की सब लेडीज आती है, अब एक भी मास्क नहीं बांध रही है, खूब खूब नाच रही है, खूब गा रही है, ये चल रहा है, गुड़चड़ी हो रही है। लेडीज को नहीं होता ना ऐसा कुछ नहीं है, और गुड़चड़ी हुई है अभी लड़के की शादी थी जैसे, सारी मुंह उघाड़ के थी, अगर वो मास्क बांध लेंगे तो उनका मेकअप कैसा दिखेगा। वो ये नहीं सोच रही है कि आज थोड़े से टाइम के लिए हम अपनी सुंदरता दिखाने के लिए मास्क नहीं बांध रहे हैं, ये ना हो कल सुंदरता नहीं, सुंदर तो कोई कोई होता है, मेकअप दिखाने के लिए। हाँ कुछ भी लगा लो भाई, इतना पैसा हम पार्लर में डाल के आए हैं तो कुछ दिखना तो चाहिए, दिखना चाहिए बस ये। तो अभी तो बिना मास्क बांधे हुई बारात गई हुई है, मतलब ये हाल कर रखा पब्लिक ने। मैंने आपको बताया था, मेरे से मैंने सुबह बोला है, मुझसे भी काफी बड़ी गलती हो गई है प्रेस वाले के सामने, वैसे मैं जाती नहीं हूँ, आराम से मैं मुंह गाड़ के चली गई थी। और मैं होता ना उस जगह पे, पता ना क्या क्या हो गया होता, हो सके टमाटर भी फेंक दिया होता मेरे ऊपर तो। ना सच्ची में मैं कोशिश वो समझाती हूँ, लेकिन वही कहते हैं ना कई बार ना दिमाग काम नहीं, दूसरे को समझाना बहुत आसान नहीं, नहीं। दूसरे के ऊपर बोलना बहुत आसान, दूसरे से कहना अरे ये उठा के नहीं, ये बहुत आसान है, लेकिन खुद अमल करना बहुत मुश्किल है। देखो कैसे खिंचाई कर रहे हैं, मैं खिंचाई नहीं कर रहा, हमारे ऐसी होती है खिंचाई, मैं बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं मानती। देखो दूसरे के काम में नुक्स निकालना, दूसरे को हिदायत देना, दूसरे को समझाना, दूसरे को ये कहना कि भाई ऐसा मत करे, कर ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। हाँ। और खुद करके दिखाओ, जब पता चले एक दिन मौका मिला उसी दिन फेल हो गई। सही कह रहे, कोशिश फेल हो गई मैं, तो पता नहीं लगती, मैंने बता दिया। भाई ऐसा थोड़ी है, आज ना बताती तो कल बताती, पता लग जाए तो कल, पता नहीं लगती, कैमरे थोड़ी लगे तो पता लग जाए, खुद ही बता दे। मैं लेडीज के दिमाग में यही है, लेडीज मुझे पता है, कई बार ना मैं बहुत गलती कर जाती हूँ, गलती कर देती हूँ, ऐसी वैसी कोई गलती नहीं, पर हाँ गलती कर देती हूँ, बता के ना बात है। और फिर ना मुझे पता है इस बात पर लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी बता देती, नहीं लड़ा नहीं मैंने समझाइश कर दी, समझाना सबसे आसान है ना, लड़ाई करना तो बहुत मुश्किल काम है। देख रहे अब ना ये मेरी 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 टांग खींचने बैठ के, टांग नहीं खींच रहा मैं। देखो गुस्सा करने में क्या फायदा, समझाना सबसे बढ़िया। अच्छा और क्या, ना मैं तो कभी कभी गलती करती हूँ, मैं ज्यादा गलती नहीं करती भाई, एक बार मौका मिला तो एक बार ही फेल हो गई, तो 100% गलती हो गई ना, हम तो 10 में से एक आध गलती करें तो 10% हो गए, ये तो एक में गई कम से। एक में ही गलती हो गई। अच्छा चलो कौशिक बात को करो, मजाक करे जा रहे, आप ये देखो मेरी गर्दन कुछ लगी हुई, पतली होगी मेरी तो ना, मेरी तो हो गई, कौशिक जी की तो बिल्कुल ऐसी होगी छोटी सी, लेकिन मेरी अभी पतली नहीं हुई है, मेरी गर्दन हो गई है सुराही जैसी, लंबी गर्दन हो गई, मैंने कभी इतनी लंबी गर्दन नहीं देखी, पहले देखी जवानी में, जब जवानी में तीन की गर्दन, मेरी गर्दन लंबी थी, उसके बाद फिर मेरी गर्दन छोटी होती गई, पता नहीं सुकड़ गई, और अब मेरी गर्दन वर्दन सब अलग छट गई है, क्योंकि मैं थोड़ा अब ज्यादा एक्सरसाइज करनी मैंने शुरू कर दी है बस। और आपने मेरा भी देखा होगा, डबल चिन हो रही थी, हाँ, इतना हो गया था, अभी काफी कम हो गई है, खत्म तो नहीं हुई है, हाँ पर काफी कम हो गई है, ये सब ये UAE का कहने का है, UAE करने का वो है, UAE नहीं, UAE नहीं, UAE ये करने से गर्दन खत्म, और आप भी जब करना जिसकी गर्दन ना हो, और गर्दन मतलब छोटी जो गले ना मिल सके ना, गले ना मिल सके भाई, गला होता ही नहीं तो मिलेगी कैसे, कर तो जो गले नहीं मिल सकते उनके लिए है ये। दो शब्द बोले, ना सॉरी बस यही कर लो, पतली हो जाएगी मेरे, यही आप 40 बार करो, 10-10 का वो बनाओ और 40 बार करोगे, आपने मेरी गर्दन पहले देखी होगी, और आप देखो इनकी गर्दन पहले इनके कंधे से मिली, कंधे से मिल जाए मेरी गर्दन, थी नहीं मैं गले नहीं मिलता था पहले। अब ये सबसे मिल रहे हैं, उनमें देखते नहीं है कि जेंट्स है लेडीज है, सबसे मिल रहे हैं, गर्दन का इतना फायदा उठा रहे हैं, गर्दन अब गर्दन पतली हो गई, फायदा उठा रहे गर्दन पतले का, अब गले मिल सकते हैं। हाँ
देख लो अभी देख लो बता रहे मेरे को चिढ़ाने के लिए, मैं चिढ़ती नहीं हूँ, मैंने सुनो चिढ़ी नहीं हूँ, मैंने क्या करना चिढ़ के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैंने आना तो घर में ही है, बेकार में किस लिए पंगा लेंगे मेरे से, है ना। लेडीज से कभी पंगा नहीं, घरवाली वो भी घरवाली, एक तो लेडीज फिर घरवाली बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते हम। बाप रे कैसी बात कह रहे, लेडीज माँ भी होती है, घरवाली माँ से तो फिर भी, माँ से तो हम फिर भी बोल रहे हैं कुछ और रिएक्ट कर दे माँ से, रूस जाऊं पर बीवी से ना कर सके, बीवी से ना सके। आज ना कोशिश जो कह रहे हैं ना, ये अपने दिल के भड़ास निकाल रहे, भड़ास जानते हो ना, दिल की जो अंदर अंदर जो छुपी हुई चीजें थी वो कोशिश आज आपके सामने। नहीं नहीं, ये सब हंसी मजाक है जी, हम तो हंसी मजाक कर रहे हैं, दोनों दो प्राणी है इस घर में, हंसी मजाक कर रही है, दो प्राणी है, दो जी कहा चले गए, चले गए दो पंछी, दुनिया छोड़ चले, नहीं नहीं हम कैसे छोड़ सकते हैं दुनिया, अभी तो बहुत कुछ करना है बाकी। हाँ अभी तो अंकुर की शिवा का बच्चा देखना है, शिवा की अंकुर की शादी देखनी है, अंकुर का बच्चा देखना है, फिर वो बड़े होंगे फिर उनकी शादी होगी। अब मतलब ये है ना, आदमी की जो मंशा है ना, कभी जो दिल की वो है इच्छा पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती वो, मतलब उसमें निकलती जाएंगी इच्छा, अब ये करना ये करना ये करना है। जैसे आप सत्यनारायण बाबा कथा सुनिए ना लीलावती की, यस वो वाली होता है इंसान का, वो फिर अभी वो हो जाए फिर शादी हो जाए फिर मैं कर दूंगी फिर मैं कर दूंगी जब हो जाएगा जब कर दूंगी, टालते रहो सबसे बढ़िया तरीका टालने का। और मैंने आपको सुबह बताया था यहाँ पोल्यूशन के बारे में बताया था, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे वो है कंपनी कपड़ों की, हाँ सारे आस पास घरों के बीच में है, ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया अलग बना दिया जाए, अब जैसे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है, ओखला में ओखला है, ओखला है या दिल्ली है, गुड़गांव फरीदाबाद अलग से बना रखा है, और यहाँ पे क्या है, ये घर है यहाँ पे फैक्ट्री है, फिर घर है फिर फैक्ट्री है, फिर पांच फैक्ट्री है तो एक घर है, ऐसा है तो वो क्या है कि बड़ा पोल्यूशन है, और फैक्ट्रियों के बाहर वो कतरे पड़ी रहती है कपड़ों की, हमारे तो घर के नीचे ही है, कटिंग काम सारा पूरा नीचे है, और हमेशा ऐसा रहता है वातावरण में, अगर आप चले जाओ तो आपकी नाक रुक जाती है, पीछे हमारे वो है सारी कंपनी है, पीछे कंपनी है सारी, ये यहाँ से यहाँ तक सारी कंपनी है, वो सारी मशीन में कहीं चले जाओ रिहायश एरिया में कंपनी है, तो ये गलत बात है, इससे क्या सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है, घरों का जितना सामान है, हमारा एसी देख लो बिल्कुल काला हो गया, हमने अभी वाटर प्यूरिफायर लिया वो भी काला हो गया, टीवी तो खैर काले रंग का ही है तो इसलिए इसके ऊपर रंग नहीं चढ़ रहा हमारे पे, नहीं तो ये भी काला हो जाता है, बिल्कुल और भी कुछ भी देख लो, सफेद चीज कोई सफेद नहीं है यहाँ पे, काली है सारी, क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वो बहुत डस्ट पार्टिकल्स है वो, और यहाँ पे आपको मैं बताऊं आधे ज्यादा लोग कुबड़े होकर चलते हैं, यहाँ पे हड्डियों में दिक्कत है, हड्डियों में दिक्कत, पानी में दिक्कत, पानी है, खाना पीना कुछ भी लगा लो किससे दिक्कत बन रही है, पर यहाँ मैं 100 में से 95% होगा ना ज्यादा, ना आधे लोगों को है, 100 में से 50% लोग मतलब कुबड़े चलते हैं, हड्डी में दिक्कत, बांटे चले हैं वो ऐसे ही जो पैर खोल के चलते हैं ना, ऐसे जैसे ऐसे चलते हैं, और एक इधर को चले फिर इधर को चले फिर इधर को चलाइए, इस तरह चलते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे को कई बार मेरी कमर में दर्द होता है तो ये कहते हैं मेरे से, तुम मैं भी ना तो अगर थोड़ी दिन और रहेगी ना यहाँ पे तो बांडा चलना शुरू कर दो, बांडी हो जाए, तो ऐसे चलती है ना ऐसे 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 करते हैं कि ना वो ये पानी का है, क्या है कि पानी में भी है, और फिर यहाँ का खाना ऐसे ही है, चावल खा लेंगे और इतनी सी दाल ले लेंगे, चावल और दाल से क्या हुआ है, क्या होता, दूध नहीं पीते यहाँ पे, दूध बिल्कुल नहीं पीते, मैंने कोई दूध लेता नहीं, आधा किलो दूध लेंगे उसमें कॉफी के लिए, बाकी कोई दही का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, भाई नहीं खाते, और हमारे यहाँ तो दुनिया भर की चीज खाएंगे, दही है दूध है मक्खन है सब खाते हैं, अच्छी बात है यहाँ के लोग, हम लोग क्या है भाई दूध नहीं पीते, और क्या गाय भैंस के बच्चों को अच्छी तरह पढ़ने देते हैं, होती नहीं है, हम वहाँ हम उनके हिस्से का दूध पीते हैं, ना ना फिर यहाँ पे वही तो है, जब तो फिर कैल्शियम कमी हो जाती है, मेरा तो लग रहा है मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, सुबह के टाइम जब बर्तन साफ करती हूँ उसके बाद देखो मेरी चीख सुनने वाली होती है, कर देख रहे कौन इनकी ये हो जाएगी कि देखो इनसे बर्तन नहीं हो रहे साफ, भगवान जी के कोई बर्तन नहीं हो रहा साफ, तो भाई ना करवाएं, मेरी चीख ऐसी है इतना नीचे झुक रहा गहराई में बहुत ज्यादा, जैसे कुएं में घुस गई मैं, मेरी बड़ी बहन कह रही है मेरे से मम्मू तू काम कर पट्टे पे चढ़ के, कोई स्टूल ले ले पट्टा ले ले उस पर चढ़ जा छोटे से, तो फिर और भी झुकना पड़ेगा फिर, तो मैं बोली मैंने की मैं चढ़ने से कैसा होगा, तो कह रही ना फिर जब जब झुकना पड़ेगा, आप तो ना झुको ना, मैं तो थोड़ी झुकू मैं क्योंकि मैं लंबा हूँ, फिर लंबी हो जाऊंगी ना, मैं लंबी हो जाओगी पट रख के, अच्छा फिर तुम्हारे हाथ भी लंबे हो जाएंगे ऐसे पकड़ के, हाँ तो फिर लंबी हो जाऊंगी, फिर वो ये भी कह रही है ऐसा ना हो कि बर्तन मांगते मांगते पट्टा ही खिसक जाए नीचे से, गिर जाए कहीं, फिर कोई उठाने वाला भी ना है, अकेली रहे
दिन में मैं तो रहता नहीं यहाँ पे। और बर्तन तो हमारे कमाल करते हैं, आप दो आदमी है, बर्तन कैसे इतने होते हैं, सच में विश्वास करो आप, इतना बर्तन मांजती मैं सारा दिन बर्तन मांजूंगी। अगर बर्तन छोड़ दू ना पूरा वो सिंक भर जाएगा और मेरी स्लैब भी भर जाएगी, पूरा इतना हो जाएगा। दो आदमी के बर्तन पता नहीं क्या क्या खा है, क्या क्या परोसे हैं उन बर्तनों में, मेरे को समझ में ना आ रहा भाई। ढेर बर्तन है, मुझसे तो बर्तन बैठ के मांज ले आदमी, आराम से मांज सकता, चाहे आप बारात के बर्तन मांजवा लो, मांज लेगा बैठ के। खड़े होकर मैं बर्तन नहीं मांज सकती, ना खड़े होकर मैं खाना बनाने वाली हूँ। अब मैंने कोशिश कह दिया घर जाऊंगी, मेरे लिए एक ऐसी रसोई करवा कर दो, चूल्हा बना देंगे नीचे, चूल्हे में अपने घर बनेंगे रोटी बैठ के खाओ। हाँ, दो आदमी की रोटी रहेंगे, बच्चे आएंगे तो मैं बच्चों पर बना लूंगी, मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों को ना चूल्हे पर काम करना नहीं आता है। हमें थोड़ा देसी आदमी कहते ना, देसी देहाती, देहाती आदमी, देहाती है, देहाती नहीं, ऐसे नहीं है भाई, गाँव वाले बहुत प्योर गाँव वाले नहीं है, पर हाँ देहाती है। जैसे हमारे गाँव का माहौल है, हमारी दादी के वहां जाके वहां सब मतलब सीखी है, ये नहीं कहा के नहीं हम गोबर में नहीं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बहू आई है कई ऐसी गोबर में, कहती बदबू आ रही, छी उल्टी करेगी, नाटक करेगी, और गेहूं के पेड़ को क्या, गेहूं के उसको क्या कहेगी, मतलब कोई पहचाने, ये नहीं कहेगी कि ये उसका है, सबको पता है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है, पढ़ाई में दिखाया भी जाता है, ये गेहूं है, ये मक्का है, ये बाजरे, सब बताया जाता है। लेकिन नखरे उन लोगों को देखिए, ये सोचते हैं कि भाई हम ज्यादा बड़े उससे आ गए शहर से, अब तो यहाँ नखरे मारेंगे, ये तो गांव के सारे। लेकिन हम लोगों ने सारा, हमारी माँ ने यही करके सिखाया, क्या पता भाई कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए भाई, कैसा भाई घर में जाना पड़े, भाई चूल्हा हो, गैस ना हो, गैस तो बाद में सब क्या आ गई है, तो सब मतलब रोटी बनाना चूल्हे पे पूरा सारा काम करना। हमारे तो पूरा टाइम चूल्हे पे ही काम होता था, सुबह दोपहर शाम चूल्हे पे बनता था, क्योंकि गैस नहीं थी जब हमारे टाइम, मेरी शादी के बाद गैस आई है हमारे घर में, तो आप लगाओ जब गैस नहीं तो खाना कहाँ बनेगा, अंगीठी या चूल्हा, तो हमने वो ही सीख रखा है सारा। तो कोशिश कर रहे चूल्हा बनवा दूंगा, बना है वैसे मेरा तो, ऊपर वो बारिश छत पे रखा हुआ है, बारिश से ना उसकी सारी मट्टी धुल गई, धुल गया, साफ हो गया, वो पूरा साफ हो गया, छोटे छोटे से उसकी दीवार से रह है, तो अब उसको दोबारा मट्टी चढ़वा के दोबारा बना देंगे। हाँ, इन पर कोशिश सब करते, खाट बुनना इन पे आता है, चूल्हा बनाना इन पे आता है, और क्या आता है, सब कुछ आ रहा है। तो मैं बताती हूँ, कोशी स्वेटर बहुत जोर से बनाते हैं, स्वेटर आता मुझे बनाना, जब एयरफोर्स में रहते थे स्पीड तो ये 1:30 बजे आ जाते थे, तब टाइम भी तो पास करना है, मैं जब स्वेटर बनाती तो कोशी जी कहते मुझे भी ना दूसरी सिलाई पे एक पल्ला डाल के दे दो, मैं बनाऊंगा। तो मैं इतना बॉर्डर एक ही हाथ का होना चाहिए टाइट, तो बॉर्डर में अपने हाथ से बना के दे देती, इतना ऊपर से इनका बेड़ा, तो ये मेरे से ना कॉम्पिटिशन करते थे, जबकि मैं बहुत तेज स्वेटर, 3 दिन में, 2 या 3 दिन में एक स्वेटर बना देते थे, मेरा हाथ बहुत तेज चलता है, बहुत से लोग तो ना कैसे सिलाई डालेंगे, एक धीरे धीरे करके बनाएंगे, धीरे धीरे करके ना, मैं बहुत तेज स्वेटर बनाती हूँ, मेरा हाथ बहुत तेज चलते और मेरे से तेज ये चलाते हैं हाथ, इनसे तेज ना चले, पर ये काम वाम करें तो मैं इतना बना दू। हाँ, जैसे मैं अपना खाना वाना बनाने चली गई हूँ, तो मेरे से आ गए कॉम्पिटिशन करके आग भग जाते हैं, और हमारा फुल स्वेटर बता रहे बड़े आदमी का 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 दिन लगा लो बनकर तैयारी, मतलब सिलाई बुलाई सब करने के बाद में बिल्कुल फिट बना दो, सब यही कहते हैं। अब तो शुरू करा और अभी खत्म भी हो गया, बन भी गया, अब जब यहाँ सर्दी नहीं है तो ये सब काम छोड़ दिए, हो सकता है कोशिश भूल भी गए हो बनाना, उल्टा तो आता है, बाकी मैं सारा कर लेती हूँ, सिलाई कढ़ाई सब कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा अब तो मेरी आंखें काम नहीं करती हैं, चलिए इतना काम नहीं करती ना, कढ़ाई करने के लिए सुई में धागा डालने की जरूरत पड़ती है, तो इतना बहुत हल्का वैसा सारा काम नहीं पाता मेरे से। ठीक है, आज हमने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो मेरे दिल में छुपी हुई थी बहुत दिन से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये बातें मेरी और कोशिश जी, मेरी और कोशिश जी ये बातें आपको पसंद आएंगी, और पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद कीजिए, बेल आइकॉन से प्रेस कीजिए, कोई भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अरे भाई जल्दी जल्दी बढ़ाओ ना सब्सक्राइबर, सच्ची में मेरे को तो मेरी तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं। कोई बात नहीं, चलो कई लोगों की मैं वीडियो देखती हूँ, कई मतलब मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, बहुत से यूट्यूबर बोल भी रहे हैं उसके लिए, बहुत मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा कि उसमें कुछ बहुत वो है, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, देखते 2000 हुए, सीधे 11000 हुए, सीधे 22000 हुए, उसके बाद 30000 हो गए, आज वो 40000 पर टिकी हुई है भाई, सोच अचंभे की बात है, किस्मत वाली है भाई, किस्मत है।
और पसंद करने वाले लोग भी हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं उससे भाई। मैं ये देखती भी हूँ उसकी वीडियो में, देखती हूँ कि ऐसा क्या है भाई। बाकी मेहनत सब करता है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई वो अपनी गरीबी दिखा रही है, तो मेहनत आदमी वो गरीबी दिखा के दिख कर रही है, तो मेहनत हर एक आदमी करता है, तो सबका हक बनता है आप लोगों से कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सबके लिए कीजिए, मैं अपने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबको सबको कीजिए। जो आदमी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत यूट्यूब पर, आप बताइए कितनी मेहनत लगती है। चलिए फिर मिलते हैं सुबह सुबह अदरक की चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, नमस्ते।